नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में और घोसी लोकसभा ये पड़ता है। और घोसी लोकसभा में किस तरह से सियासी जो घमासान है जारी है, और आपको बता दें परसों यानी कि 19 मई को यहाँ पे चुनाव है, मतदान है, और मतदान के बीच हम पहुंचे हैं। लोगों से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या कहना है लोगों का और किस तरह से यहाँ पे जनता का रुख क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? अखिल भाई। अकील अहमद। अच्छा, ये बताइए रमजान कैसा चल रहा है? रमजान माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, क्या रुख है, किस तरह देख रहे हैं? क्या रुख चुनाव में क्या है? चुनाव में वही सबसे ज्यादा बेहतरीन पार्टी वही कांग्रेस पार्टी को लोग रुख रुख बनाए हैं ज्यादा, वही कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी। अच्छा इधर आइए, थोड़ा सा लाइट वाइट में आइए यहाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में क्या खास लगता है? खास ये की भाई जो है यही डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। ठीक है, बोलने दीजिए, डायरेक्ट वही लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो महागठबंधन का क्या है? महागठबंधन का वही जो है बड़ा इसमें उल्टा खुदा सुनाई दे रहा है, इस वजह से लोग जा रहे हैं, हट रहे हैं, वहाँ से हट करके यही कांग्रेस में आ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पे जा रही है, मूड कांग्रेस पे जा रहा है। अच्छा, आपके क्या नाम है चाचा? एजाज अहमद नाम है। इधर आइए, थोड़ा सा लाइट वाइट पड़े। हाँ एजाज भाई। जी हाँ। क्या करते हैं? मैं तो बुनकर हूँ। बुनकर? जी हाँ। अच्छा, तो क्या स्थिति है, क्या चल रहा है इसमें? क्या चीज की चुनाव में क्या चल रहा है, मुसलमान किधर रुख कर रहे हैं? अब मुसलमान ही क्या बात करें, मुसलमान तो सपा की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है, दोनों जगह। हाँ हाँ हाँ, दोनों जगह जा। हाँ, दोनों तरफ जा रहा है, गठबंधन की तरफ, गठबंधन की तरफ जा रहा है। हाँ, कुछ लोग और हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह अंसारी। हाँ भाई, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं बुनाई करता हूँ। अच्छा, क्या स्थिति है, क्या चल रहा है इस समय चुनाव में? चुनाव में मऊ शहर घोसी लोकसभा में यही चल रहा है कि हमारे शहर के अंदर अब तक बाहरी कैंडिडेट आया करते थे, इस समय कांग्रेस पार्टी से घोसी लोकसभा का प्योर कैंडिडेट है, इसका जनता यहां की मूड बनाए हुए है। और दूसरे दलों से जो नेता आए हैं वो बाहर से आए हुए हैं और उनके ऊपर दुनिया भर का क्लेम है, जिसकी वजह से जनता असमंजस में पड़ी हुई है। और ये तय कर 19 तारीख को हम तय कर देंगे कि हमारे जिले का ही कैंडिडेट जीतेगा और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम उनके लिए और सबका विकास सबके साथ 72,000 का साथ देंगे। तो 72,000 के साथ है। आइए इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? नाम तो मेरा अजमल शकीर है, लेकिन नन्हे भाई के नाम से शहर जानता हूँ। अच्छा, चलिए नन्हे भाई, बहुत मुलाकात आपकी अच्छी रही। क्या मिजाज चल रहा है इस समय? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ऊहापो की स्थिति है। अच्छा, मेन कैंडिडेट जिसको लोग मानते थे वो इतना अच्छा आ गया कि देश ही छोड़ के भाग गया। थोड़ा सा भैया लाइट वाइट, भैया लाइट, देश छोड़ के भाग गया वो। अच्छा, जैसा पेपर में है मैंने देखा नहीं है। कांग्रेस में जो प्रत्याशी आया है जिसकी तारीफ लोग कर रहे हैं, वो बेचारा बहुजन से एमपी हुआ 5 साल, पता नहीं चला 5 साल वो आदमी कहाँ था। उसके बाद हो गया बीजेपी में, वहाँ से निकला बहुजन में गया, बहुजन में टिकट नहीं मिला, फिर कांग्रेस में गया, क्या भरोसा है? दो लोग हुए। अच्छा, वर्तमान सांसद के क्या? वर्तमान सांसद का तो हुलिया आप वही देख लीजिए। अच्छा। मोदी जी के जलसे में पूरा उनके खिलाफ बगावत हो रही थी। अच्छा। भागो। देखे कि नहीं कभी आप? क्या मैंने नहीं देखा कभी सांसद से? नहीं, पहचाना ही नहीं। कौन? 5 साल नहीं, कोई नहीं, शायद कोई देखा हो, मैं नहीं कह सकता। हेलो, इधर अब उसके बाद बचते हैं अतुल कुमार अंजान जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये बताइए, अतुल कुमार अंजान के नाम लिया, अतुल कुमार अंजान जैसा शख्स यहाँ से जीतता क्यों नहीं? जीतता क्यों नहीं? क्या स्थिति है, क्यों जनता? अब पढ़ा लिखा है, समझदार है, सारा कुछ है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, पैसे का इतना प्रलोभन अब लोग देते हैं, इतना पैसा बांटते हैं कि यहाँ आम आदमी जीत नहीं सकता इलेक्शन। उस आदमी के पास पैसा नहीं है, उस आदमी के पास गट्स है, उसने एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। इस चुनाव में अतुल कुमार अंजान का क्या रोल रहेगा? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आम तौर पर उनकी छवि के हिसाब से जनरली लोग उन्हीं के साथ जाना चाह रहे हैं। अब कितना जाते हैं, वो कितनी दूर तक पहुँचते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी आज की तारीख में अमूमन उन्हीं के साथ जाना चाह रहे हैं।
उन्हीं के साथ ज्यादा। हाँ। अच्छा कुछ युवा हैं उनसे बात कर लेते हैं। इधर भैया, इधर 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 ये वोटर हैं, वोटर हैं जी, वोटर हैं। अच्छा क्या काम क्या करते हैं? मैं एम्ब्रॉयडरी कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी। पहला वोट देंगे इस बार? नहीं, दूसरा। दूसरा वोट देंगे। क्या सोच के सोचे हम मन में बनाया कि जाना है इस बार वोट देने? परसों वोट है। मन में कुछ बनाया नहीं है, जैसा माहौल रहेगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। आपने क्या सोच के जाएंगे, कभी विकास या नौकरी दे, विकास के लिए, विकास के लिए क्या सोच? मतलब अच्छा विकास हो अपने देश का। हाँ। ये लोकसभा का और क्या बोलते हैं, बताए बताए बताए, हम लोग को कारोबार की तरक्की हो और खस्ता हाल है। हाँ, और बाजार अच्छी चले, यही सब। क्या नाम भैया आपका? अली नवाज। पढ़ते हैं कि क्या करते हैं? नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं। क्या सोच के जाएंगे इस बार बूथ पे, पोलिंग बूथ पे? सोच कर यही जाएंगे कि हम लोग को जो परेशानी मिली ये भाजपा हो बीजेपी क्या सरकार भाजपा से जो परेशानी मिली उसको तो देखकर हम भाजपा को तो वोट नहीं देंगे। अगर किसी को देंगे तो वो गठबंधन है, या तो बहुजन या तो समाजवादी पार्टी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों तो एक साथ है। हाँ जी। अच्छा उसको गठबंधन जी, गठबंधन कुछ लोगों का। और जमाल भाई जी, वो भी शानदार लगा हुआ है। रमजान का महीना कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, मुस्कान बड़ी अच्छी है आपकी। जी जी जी। क्या स्थिति रहेगी इस बार चुनाव की? चुनाव की स्थिति क्या है, सारे लोग बट रहे हैं चारे खाने में, बट रहे हैं जी। आपका क्या सोचना है किस तरह? मेरा क्या सोचना, रमजान का महीना है, बढ़िया कैंडिडेट है अतुल कुमार रंजन, उन्हीं को वोट किया जाएगा। अच्छा, साफ सभी के आदमी है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए काम भी करते अच्छा, हैं। इस बार जो मुद्दा है बड़ा बड़ा साफ छवि और बड़ा ईमानदार बाहरी वाला, ये सब रमजान की बरकत की वजह से सब चल रहा है। इस बार चल रहा है रमजान की वजह से चल रहा है, एकदम मान के चल रहा है, जो अच्छा है वही उसी को देना है। क्या नाम है आपका? अनवर अहमद। अनवर जी हाँ, खुखार चेहरा बना हुआ। नहीं क्यों भाई, कांग्रेसी है ना तो खुखार चेहरा रहेगा ना भाई, चौकीदार चोर है। अच्छा हाँ भाई, इसको रखिए। हाँ इसको टोपी हमको दीजिए। हाँ बताइए ये अच्छा क्या स्थिति है मुसलमानों की, क्या स्थिति है? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? बहुत जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ रुझान है। अच्छा, राहुल गांधी का क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी है उसकी। राहुल गांधी में मोदी में दो दो खास बात बताइए। राहुल गांधी की दो बात खास खास लगती है, दो खास बात। दो खास बात, राहुल गांधी जो है वो गांधी परिवार के, और राहुल गांधी जो है जुमलेबाजी नहीं करते हैं, और मोदी जी जो है वो जुमलेबाजी करते हैं। अच्छा हाँ, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं करते। मोहम्मद मोबीन। अच्छा क्या सोच के इस बार बूथ पे जाएंगे? हम गठबंधन वोट देंगे। गठबंधन, चलिए फटाफट ले लेते हैं, क्या नाम है भैया आपका? दानिश। दानिश भाई क्या सोच के इस बार जाना है पोलिंग बूथ? गठबंधन सोच के जाना है, बस बस। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो हमने बातें की वो मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई गठबंधन बोल रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी, कोई अतुल कुमार अंजान के साथ है। भाई साहब आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद सिक्कू है। क्या स्थिति रहेगी? मैं इस वैसे तो पहले इस लोकसभा सीट का कैंडिडेट नहीं हूँ, मतलब वोटर नहीं हूँ, और मैं एक व्यापारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जो है गठबंधन को वोट करें। किस लिए कि जो है वोट दूसरी पार्टी जो है बीजेपी है, ये संप्रदाय की बात करती है। गठबंधन में हमको कोई काम तो मिलने वाला नहीं है, मगर सिर्फ हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे और लोगों में जो प्यार मोहब्बत बना रहे, सर्व समाज का सबका विकास हो। कारोबार तो नौकरी पोकरी तो वो दूसरी बात है, मगर लड़ाई झगड़े की बात ना हो। लड़ाई झगड़े की तो देखा आपने किस तरह से इनका भी कहना था, लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब 23 को मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की राजनीति और संसद में किसकी सरकार बनती है, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो जहाँ पे जो रुख हमने पाया वो अतुल कुमार अंजान गठबंधन और साथ साथ कांग्रेस पार्टी में भी जा रहे हैं, तो देखना दिलचस्प ये होगा। और 19 को यहाँ मतदान है घोसी लोकसभा में, तो आपसे अपील है कि घरों से निकले मतदान करने जरूर जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान इसलिए करें क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व 5 सालों में एक बार आता है। ऐसे में अपने घरों से निकले आपकी जिम्मेदारी है कि मतदान करें, और 23 को हम फिर मिलेंगे क्योंकि एक नतीजे भारत की नई सरकार के साथ, या फिर देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं देश के दोबारा प्रधानमंत्री, या फिर विपक्ष का कोई बड़ा नेता। आप बने रहिए हमारे साथ सबसे तेज न्यूज़ के साथ, और हम लेते हैं एक विराम, तब तक नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।